आपको किसी पे शक है? शक तो नहीं है इंस्पेक्टर साहब, आखिर कौन हो सकता है जो हमारी जान लेना चाहता है? हमारी तो किसी से कोई खास दुश्मनी भी नहीं है, ज्यादा उठना बैठना भी नहीं है हमारा किसी के साथ, और परिवार में बेटा है बहू है यही हमारा परिवार है। अब क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, आप पता लगाइए कि कौन है जो हमारी जान लेना चाहता है। इंस्पेक्टर साहब, खास दुश्मनी ना सही, पर कोई तो होगा जिस पर आपकी शक की सुई जा रही हो। ऐसा कोई खास तो नहीं है इंस्पेक्टर साहब। जब ये घटना हुई उस वक्त आप कहाँ थे? जी हम तो सो रहे थे और वॉश टूटने की आवाज आई तो हम भागे भागे आए, और फिर जाकर देखा तो बेडरूम की खिड़की खुली हुई थी। ठीक है, अभी तो मैं चलता हूँ, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, ठीक है इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, चल रहा हूँ। कौन हो सकता है? ये साहब लोग कितना काम कराते हैं, थक जाती हूँ मैं। ये सब कितना गंदा कर देते हैं, सिर्फ गंदगी। मीना, ओ मीना। अरे साहब, मैंने सारा काम। अरे वाह मीना जी, दिन भर कितना काम करती हैं आप, हम तुम्हारे काम से बहुत ही खुश हैं। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पर एक शिकायत है तुमसे, थोड़ा बहुत ध्यान हम पर भी दिया करो। अरे साहब मुझे छोड़िए। अरे पगार बढ़ा देंगे तुम्हारी। अरे छोड़िए, छोड़िए नहीं तो मैं दीदी को बता दूंगी। ठगी कहीं का। कब तक बचोगी हमसे? एक न एक दिन शिकार हो ही जाओगी। जंगली बिल्ली का शिकार करना बहुत पसंद है हमें। अरे सुजीत, सुजीत कहाँ चला जाता है ये? अरे सुजीत आया पिताजी। जी पिताजी। आ गया कमबख्त, क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा था कि आप पे हमला किसने किया होगा। अरे तू ज्यादा दिमाग मत चला, अरे जिसने भी किया होगा वो इंस्पेक्टर पता लगा ही लेगा। तो एक काम कर, वर्मा जी के यहाँ चला जा और पैसे लेके आ जा फटाफट। जी पिताजी, बस एक चाय पीकर निकल जाऊंगा। अरे चाय वर्मा जी के यहाँ ही पी लेना। वर्मा जी निकल गए तो काम नहीं हो पाएगा। पिताजी बस एक चाय की तो बात है पिताजी। अरे बैठने का टाइम नहीं है भाई, तू जल्दी कर, वर्मा जी निकल जाएंगे, तो फटाफट जा और पैसे लेके आ जा। क्या? जी पिताजी। और वही चाय पी लेना। हाँ ठीक है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे बहू। जी बाबूजी। अरे यहाँ तो आओ जरा। आई आई बाबूजी। हाँ हाँ बाबूजी, क्या हुआ? अरे इतना दूर क्यों खड़ी हो, पास में बैठो। मैं तो आपसे दूर रह ही नहीं पाती हूँ। अरे इतनी दूरी भी अच्छी नहीं, और करीब आ जाओ। जी बाबूजी। हाय, बिल्कुल मखमल की तरह बदन है तुम्हारा, ये जान सा रोशन चेहरा। वो चाय लेंगे पिताजी? अरे छोड़िए ना ये पिताजी विताजी, जानू कहा करो ना। जानू जी चाय लेंगे, चाय लेके आऊं। अरे हम तो कब से प्यासे बैठे हैं रीना जी। कुछ भी, वैसे आपको कोई कह नहीं सकता कि आप 55 के हो गए हो। अरे इस उम्र में तो आदमी और भी मजबूत हो जाता है मेरी जान। हाँ ऐसी बात है। हाँ बिल्कुल, चाहो तो आज माँ की देख लो। देख लो जी, अगर आप हमें पकड़ पाए ना तो आपको जो चाहिए वो सब हम आपको देंगे।
सच में? मुझ में? फिर तो हम आपको लपक कर पकड़ लेंगे रीना जी। हम कोई आम थोड़े ना है जो लपक के हमें पकड़ लेंगे। अरे तुम तो मेरा बरसाती आम हो जिसे चूसने में बहुत मजा आता है। अच्छा जी, ये बात है। चलो क्या? हमें पकड़ अच्छा, के दिखाओ अब। ऐसा क्या? पकड़ लो, आ जाओ पकड़ लो। अरे रुको, पकड़ लीजिए। रुको रीना जी, पकड़ लो जानू जी। कब तक भागोगी मेरी तितली? पकड़ के दिखाओ। मैंने बोला था ना आप मुझे नहीं पकड़ अच्छा? सकते। नहीं पकड़ सकते आप जानू जी। अभी पकड़िए। नहीं पकड़ सकते मुझको। एक कुत्ते की तरह दौड़ाती हो हमें। पकड़िए, सब कुछ आप ही का तो है जी। अरे और कितना तड़पाओगी, अब बस भी करो ना मेरी जान। कब तक भागोगी मेरी तितली? देखते हो मैं अभी आप में कितना दम है। ये आ जाओ। ऐसा क्या? हाँ। तो फिर ये लो। दिखाते हैं तुम्हें अभी है? मैं इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। देखो कुछ पाना है तो हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी ना। अच्छा तो ये बात है? हाँ यही बात है। आ जाइए। आखिर पकड़ ही लिया ना मेरी तितली। आखिर पकड़ लिया ना तुम्हें हमने। अभी कहाँ पकड़ा? ऐसा क्या? पकड़ के दिखाओ ना। ऐसा क्या? तो ये लो फिर। अरे पिताजी, क्या हुआ आपको? पानी लेके आऊं? क्या हुआ? पानी लेके आऊं आपके लिए? अच्छा, बुद्धू बनाया, बुद्धू बनाया। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। कितना अच्छा नाटक करते हो ना आप। मेरे को तो लगता है कल रात को भी नाटक आप ऐसे ही कर रहे थे। कितनी अच्छी एक्टिंग करते हो, आपको तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। अरे वो रात वाली बात याद दिला के मूड खराब मत करो। बस मुझे तो मेरा आम चूसने दो। मेरी जान। मेरी तितली। बाबूजी। रीना। ओ मेरी तितली। रीना। वो बाबू। तू पिताजी के बिस्तर पर क्या कर रही हो? पिताजी ने बुलाया था। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे बहू से सर दबवा रहा था, मेरी आंख लग गई। अब ये भी सो गई होगी बेचारी, जब देखो उल्टा ही सोचता है। पिताजी मुझे सब पता है यहाँ पर क्या चल रहा है। वर्मा जी से पैसे ले आया हूँ मैं, और ड्राइंग रूम में पैसे रख दिए हैं। ठहर के चाट लीजिएगा अपना पैसा। आ, आ, और तू तुझे तो मैं बताता हूँ, चल। अरे क्या कर रहा है? तुझे सबक सिखा के रहूंगा मैं, ऐसे नहीं मानेगी। आप गलत। मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे मैं क्या कम पड़ गया था जो मेरे बाप के साथ? आपका दिमाग खराब है, आप सोच भी कैसे सकते हैं? था वहम नहीं सच्चाई जो मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हम और पिताजी हम बिस्तर हो गए? मैं तुमसे प्यार करता था रीना, तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? और तुम क्या किया है मेरे लिए तुमने? एक साल हो गया हमारी शादी को, जब देखो पिताजी के प्रॉपर्टी के पीछे भागते रहते हो। कभी पूछा है मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो इसका मतलब तुम मेरे बाप के साथ हम बिस्तर हो जाओगी? ऐसा नहीं है, शायद तुम भूल चुके हो, हमने मिलकर प्लानिंग की थी। मेरी बात अच्छे से समझो, याद करो हम लोगों के बीच में क्या बात हुई थी और हमने क्या प्लान किया था। याद करो हमारे बीच में क्या बात हुई थी, क्या प्लानिंग की थी हम लोगों ने। भूल गए क्या तुम? क्या हुआ सुजीत, इतने चुप चुप गुमसुम बैठे हो तुम यहाँ पर? कुछ नहीं यार। नहीं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे क्या, पैसे कमा के और कैसे? और कहां से लाऊं पैसे? ये बुड्ढा एक-एक रुपए का हिसाब रखता है। जब पैसे में हेर फेर करता हूँ तो पकड़ लेता है। और तुम्हें तो पता ही है इस घर में मेरा इतना सा भी हिस्सा नहीं है। अगर तुम कुछ कहो तो मैं समझा कर देखूं। नहीं नहीं, तुम कैसे समझाओगी? उसको रास्ते से हटाकर। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना, पिताजी को मारकर? मैंने कब कहा उन्हें मारेंगे, उनका हार्ट अटैक करवा देंगे। देखो ना, तुम्हें तो पता है अगर पिताजी तेज तेज चलते हैं तो उनके सीने में दर्द होने लगता है। तुम सोचो यार, अगर वो मेरे पीछे भागेंगे तो वो तो बहुत जल्दी ऊपर। अरे लेकिन पिताजी तुम्हारे पीछे भागेंगे क्यों? अरे तुम्हें पता है ना, बुढ़े का नारा ढीला है। वैसे तो वो बुढ़ा हो गया है पर उसकी जवानी खोलती रहती है। बुढ़ा जब भी मुझे देखता है ना, ऐसे लगता है जैसे मुझे खा ही जाएगा। क्यों ना हम इस चीज का फायदा उठाएं? हाँ, ये सही रहेगा। तुम एक बार पिताजी को भाव देना शुरू तो करो। मुझे पता है कि मेरा बाप है ही कमीना, और इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हाँ, यही चीज तो मैं आपको समझा रही हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। तो स्टार्ट करें। अरे वाह मेरी रीना डार्लिंग, तुम बहुत अच्छी हो। मेरे होते कभी टेंशन मत लेना। आई लव यू सो मच। इसका मतलब जो मैंने देखा वो सब नाटक था? हाँ, तो और क्या, तुमने ही तो बोला था कि पिताजी से प्रॉपर्टी लेके और पैसे का अरेंजमेंट करके हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आई एम सो सॉरी रीना, तुम एक्टिंग कर रही थी। तुम अपनी एक्टिंग में इतना डूब गई थी कि मुझे लगा तुम मेरे बाप के साथ हम बिस्तर हो गई हो। आई एम सो सॉरी। ऐसा कभी मत सोचना, मैं तुम्हारी और मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, सच में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। मुझे माफ कर दो रीना। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। मुझे माफ कर दो। हमेशा आपके साथ हूँ। हाँ, प्रणाम प्रणाम दुबे जी। अरे क्या हाल चाल है? बढ़िया है। और आपके? हमारे हा? अरे हमारे तो वही पुराने ठाट हैं दुबे जी, वही रंगीनियाँ, वही मौज मस्ती। आदत नहीं बदली है आपकी? अरे कैसे बदलेगी, अभी जवानी खत्म थोड़ी हो गई है दुबे जी। जवानी खत्म नहीं हुई, क्या बात है। अरे अभी बुढ़ापा थोड़ी आ गया दुबे जी, अभी तो वही ताकत है, वही तेवर है। और हाँ दुबे जी, सुना है मार्केट में कोई नई चिड़िया आई है? अरे दोनों मिलके दाना डालते हैं ना, जरा जुगाड़ लगाओ दुबे जी। बहुत दिन हो गए किसी नई मालगाड़ी पे सवारी नहीं की हमने। अरे कुछ करिए ना। अरे दुबे जी रखते हैं, बाद में बात करते हैं। पिताजी मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है पिताजी। अरे आज तक कोई बिजनेस किया है जो आज करने की सोच रहा है? आज तक आपने पैसे दिए ही कहाँ है जो मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर सकूं? अरे फालतू के पैसे नहीं है मेरे पास, पता है मुझे है? क्या बिजनेस करेगा तू? अरे जिंदगी में कुछ किया है? अरे भरोसा नहीं है मुझे तुझ पे। और सुन, अगर कोई काम करना है तो मेरे साथ कर, समझा? नहीं पिताजी, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके साथ काम नहीं करना है। देख सुजीत, एक बार बोल दिया तो बोल दिया, मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाला। क्यों नहीं देंगे पिताजी? अरे मेरी मर्जी, मेरा पैसा, समझे? चल जा। ओ हुरपरी, अरे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा बाबूजी। पतिदेव जब देखो काम काम काम। आज तो संडे है,
कभी इधर भी देख लिया करो। चलो ना, थोड़ा प्यार भी कर लो। यार रीना, बस थोड़ा सा काम बाकी है, वो कर लेने दो। यार हर वक्त काम काम, प्लीज इधर देखो ना। यार रीना समझा करो, बाबूजी तो पैसे देते नहीं है, और यार काम नहीं करूंगा तो फिर घर में पैसे कहां से आएंगे? काम तो जिंदगी भर होता रहेगा। कभी प्यार में भी ध्यान दिया करो। सारा दिन काम काम, क्या सोच में पड़े रहते हैं यार। किसका फोन है रीना? वो क्या है ना, कंपनी वाले यार, कभी ये ऑफर कभी वो ऑफर, संडे के दिन भी नहीं छोड़ते हैं ये पॉकर। यार रीना, मैं सोच रहा था कि क्यों ना चाय में जहर डालकर बुड्ढे को मार दें। क्या सोच रहे हो तुम, पागल हो? अरे अगर पापा जी को हम चाय में जहर देके मारेंगे तो पोस्टमार्टम में सबसे पहला शक हम दोनों पर ही जाएगा, और पुलिस हमें पकड़ कर अंदर कर देगी। क्या कैसी सोच है यार तुम्हारी। अरे यार लेकिन पिछली बार जो हुआ वो तो किसी चोर उचक्के ने तिजोरी की चाबी के लिए ऐसा किया होगा। अच्छा, पिताजी को ये लगता है कि उनको तुमने मारने की कोशिश की। कुछ भी सोचते हो। मैंने? हाँ मैंने सुना था। लगता है बुढ़ा सठिया गया है। हाँ पर उस दिन जब शोर हुआ तो मैंने जाकर देखा, तुम बिस्तर पर तो थे ही नहीं। हाँ यार उस दिन मैं बालकनी में बैठे बैठे ही सो गया था। खैर गुस्सा आना जायज भी तो था, तुम इतने दिनों से पिताजी के पीछे लगी हुई हो, उनकी तबीयत बिगड़ने के बजाय और सही होती जा रही है। तुम थोड़ा टाइम तो दो, मुझे पता है किस टाइम क्या करना है और उन्हें कैसे रास्ते से हटाना है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अच्छा तुमने सारी प्लानिंग कर भी ली है और मुझे बताया तक नहीं। अरे वाह मेरी रीना डार्लिंग, बहुत होशियार है तू, बहुत होशियार। मेरी जहरा चबी है तुम्हें मालूम नहीं, तुम अभी तक हसी यार मैं जवान, तुझ पे कुर्बाना। अरे तुम इतना दूर क्यों खड़ी हो? अरे इतने पास तो हूँ, और कितना आ जाऊं? अरे हम तो चाहते हैं तुम हमारे सर आंखों पे बैठ जाओ। वो तो आप रखते ही हैं अपने दिल में। काश तुम मेरे बेटे की बीवी ना होती। तो क्या होता? अरे तो ब्याह कर लेते हम तुमसे। जमाना क्या कहता, देखो बुड्ढे में जवानी चढ़ी है। अरे पागली, जमाने का क्या है, वो तो है ही ताने देने वाला, लोगों को क्या सुननी, तुम सिर्फ मेरी सुनो, आ जाओ ना प्लीज। सुनो ना, मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। अरे बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? नहीं छोड़ो ना, आप सोचोगे बहू क्या बोल रही है। अरे अब हमसे क्या शर्माना, अब तो तुम मेरी बीवी जैसी हो। आप मेरे पति जैसे नहीं हो, बल्कि पति से बढ़ के हो। सच में? आए, आए। दिल जीत लिया कसम से। अब बोलो ना, क्या कहना चाहती हो, क्या बात है? वो मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ शराब पीऊं। मेरे साथ? देखो जवानी होती ही है मजे लूटने के लिए। अरे जितना चाहे उतना लूट लो, और जिंदगी होती है गुल खिलाने के लिए। जवानी मगर आपका तो बुढ़ापा है। अरे तुम भी ना, छोड़ो ये बुढ़ापा उड़ापा है। शरीर तो नश्वर है, मिट जाता है, आत्मा जवान होनी चाहिए, और हमारी आत्मा कितनी जवान है ये तो अच्छी तरह जानती हो ना। आपके अंदर तो जवानी की आंधियां उड़ रही हैं। आज इस आंधी में कहीं तुम उड़ ना जाओ। रुकिए रुकिए, जरा सबर कीजिए, मैं विस्की लेकर आती हूँ। जल्दी करो, तो तुम जल्दी करो जान मेरी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चीयर्स। चीयर्स।
अरे ये क्या, तुम क्यों नहीं पी रही हो? अरे वो क्या है ना, फर्स्ट टाइम है ना, तो थोड़ा कम पीऊंगी इसलिए। लीजिए ना, पीजिए, मैं तो बस आपको पीते हुए देखना चाहती हूँ। ऐसा क्या? अरे तेरी खातिर तो रात भर पीते रहेंगे जान मेरी। तुम बहुत अच्छी औरत हो रीना, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी औरत नहीं देखी। साला जो मर्द घर में पीकर आता है उसकी पत्नी घर से बाहर भगा देती है, और तुम तो अपने हाथों से पिलाती हो जान मेरी। वो क्या है ना, मैंने सुना है इसको पीने के बाद ना इंसान का अंदर का जानवर जाग जाता है और वो बिस्तर पे बहुत खेलता है। अरे वाह, क्या बात कही है तुमने, तो इसी बात पर एक और पैग बनता है। लीजिए। तो जान मेरी, अब और सब्र नहीं होता, अब मेरे अंदर का जानवर ना खेलने को पूरी तरह मचल रहा है। चले, दूर हटो मुझसे, हाथ मत लगाना। अरे क्या हुआ मेरी बुलबुल? दूर रहो मुझसे। क्या बात कर रही हो जान? कौन सी जान? अजीब से बेचैनी हो रही है। पानी, मुझे पानी दो। पानी लीजिए, पानी। ये तो शुरुआत है। हराम सादे को दिया मेरे साथ धोखा किया तूने। तड़प बुढ़ी, और तड़प, मर, तड़प के मर। बहुत खेला है ना मेरे साथ, मर बुढ़ी अब तू। मर गया ना बुढ़े कुत्ते की मौत। औरत चाहे अपनी आय पे आ जाए तो अपने तलवे चटवा सकती है बुढ़े। रीना, ये क्या किया तुमने, इन्हें जहर दे दिया? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ता, इसलिए मैंने जो करना था कर दिया। लेकिन पुलिस को पता चल गया तो हम दोनों जेल जाएंगे। तो पुलिस को पता कैसे चलेगा? हम पुलिस के आने से पहले हम इसका दाह संस्कार कर देंगे, खाक बन जाएगा, पुलिस क्या कर लेगी? सुजीत, तो अब क्या करें? हम बड़ा बड़ा बैग लेके आते हैं, उसमें इसको पैक करके बाहर दूर कहीं ले जाते हैं, दाह संस्कार कर देंगे। कौन आया होगा? तुम देखो, डरो नहीं, पड़ोसी होगा कोई। फूल, तुम इन्हें संभालो, मैं देखता हूँ कौन है। जाओ जाओ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप इस समय? मुझे अंदर तो आने दो। लेकिन क्यों, क्या करने? आपके पिताजी से कुछ बात करनी है। पिताजी? लेकिन पिताजी तो घर पर है ही नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। आप एक काम करिए, आप बाद में आइए। कोई बात नहीं, हम उनके आने तक इंतजार कर लेंगे। इंतजार? अरे ऐसे कैसे इंतजार करो। ओ तो ये मामला है। देखिए ये मेरे पिताजी, लेकिन मैंने इनको नहीं मारा। तूने ही मारा है। मैंने कुछ नहीं किया है। क्यों मारा? इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरे पिताजी है, लेकिन मैंने इनको नहीं मारा। तूने ही मारा है। रीना बताओ ना तुम।
थैंक यू मिस रीना कि आपने हमें समय रहते ही इत्तला कर दी। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोल रहा हूँ। मुझे ना आपको कुछ खबर देनी है। जी बोलिए। वो क्या है ना, मेरे पति मेरे ससुर को मारना चाहते हैं। क्या बोल रही हैं आप? हाँ, वो भी उनके जायदाद के लिए। अच्छा। प्लीज आप आ जाइए। ठीक है, मैं बस पहुँच रहा हूँ। जी ले जाइए इस अपराधी को, इसने जायदाद के लिए अपने पिताजी को मार दिया। ले जाइए इसको। रीना चलो। रीना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चुपचाप चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया। मेरी खबरदारी अब जेल में होगी बेटे। कुछ नहीं किया सर। क्या बे, बार बार कॉल क्यों कर रहा है मुझे? मैडम मेरे को मेरा पैसा चाहिए। कैसा पैसा? काम पूरा किया तूने? बुड्ढा तो जिंदा जागता घूम रहा है। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों बाद मैं बाप बेटे को साइड लगा दूंगी, फिर हम दोनों चलेंगे कनाडा, वहाँ जाके रहेंगे। बुढ़ा गया नर्क में, पति गया जेल में, सारी प्रॉपर्टी मेरी, सारी जायदाद मेरी। ये सब मेरा। अब आएगा मजा।